फोन दे दे आंटी अंकल से बात करूंगी मैं। रो वो क्या रही है यार, नॉन शर्म ही नहीं है कोई, तो मैं मम्मी को बताऊंगी। मेरे घर से हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबको, राधे राधे। क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे कल नहीं दिखा, कल व्लॉग कहाँ था, कल हम कहाँ थे। वैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, याद है आपको, कि जिस दिन मैं व्लॉग ना बनाऊं या जिस दिन हमारा व्लॉग ना है, उस दिन समझ जाओ कुछ खुराफाती होने वाला है। चक्कर गया है पिछले 2-3 दिन से, जसलीन अपने काम में बिजी है, ठीक है, और मैं भी थोड़ा व्यस्त ही हूँ, उसको ऐसा शो कर रहा हूँ कि मैं भी व्यस्त हूँ। तो आज हम उसके साथ करने वाले हैं एक बहुत ही उंदा, सीरियस, खतरनाक, कुछ भी कह लो इसको, इतना ताबड़तोड़ प्रैंक होने वाला है ना, मतलब ऐसा लगेगा सच्चाई है पर है नहीं, ऐसा लगेगा सच्चाई है पर है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ चीजें करी हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना फोन, और ये देखो, ये मेरा एक नंबर है, ठीक है, जो पिछले 3-4 साल पहले था मेरा, जो कि मैंने यूज करना कर दिया था बिल्कुल बंद। तो ये नंबर किसी को भी नहीं पता, ये मैं नंबर यूज करता हूँ जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ, मतलब नंबर यूज नहीं करता, कहीं जा रहा होता हूँ, मैप मूप देखने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने इसमें अपना नाम चेंज कर दिया है, दृष्टि कर दिया है, ठीक है। अब दृष्टि क्या है, कौन है, वो एक्चुअली मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, ठीक है, तो उसके बारे में जसलीन को पता भी है और नहीं भी है, आज पता चलेगा क्या सीन है। तो अभी वो आने वाली है और आज भी थोड़ी देर के लिए आएगी, क्योंकि उसको आज भी भागना है जल्दी। मैं कह रहा हूँ घर वालों, कैसे हो आप लोग, राधे राधे। आपने प्रैंक को मिस किया, प्रैंक ने भी आपको मिस किया। तो आज हम जसलीन के साथ करने वाले हैं एक बहुत ही ताबड़तोड़ तहलका प्रैंक। बहुत दिन से प्रैंक नहीं किया ना मैं, देखो आज एनर्जी देख लो हमारे घर में। जिस दिन प्रैंक होता पहले मम्मी बोलती थी, नो बेटा नो, प्रैंक प्रूंग ना करा कर, ईव देखो प्रैंक ही नहीं किया बहुत दिन। आज प्रैंक होने वाला है, जो मैंने अपने एक नंबर जो मेरा बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है ना, वो वाला नंबर, उसको मैंने नाम चेंज करके दृष्टि रख दिया है, ठीक है, ठीक है, स्कूल वाली। और अभी जसलीन आएगी, पापा आज आपको साथ देना एकदम, ठीक है, उसके साथ ही खड़ा रहता था उसके पीछे। हाँ वही, अभी वो मम्मी यार ये सब बातें नहीं बोले, जसलीन के आगे बोल रहे हैं सब बातें, यही तो मेन मसाला है। तो चलो ठीक है, तो बस वो आएगी और आते ही आज भी वो जल्दी भागेगी, क्योंकि उसको वहां जाना है, हाँ आज उसकी मॉम का काम है ना, तो उसको फटफट भागना है आज, तो जल्दी जल्दी में, मतलब आएगी और बवाल मचा के, आज बवाल कटेगा भाई, आज कच्चे कटेगी। मम्मी पहले बोलो प्रैंक ब्रेक नहीं करना, आज प्रैंक ब्रेक बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ वो रोएगी नहीं आज, वो चीखेगी जैसा प्रैंक है। चलो शुरू करते हैं, प्रिया कुछ तू रिकॉर्ड करियो, ठीक है, कुछ जगह पे जहाँ रह जाएगा वहां तू रिकॉर्ड करियो, और फटाफट खुद ही लेके खड़ी हो जाए, मेरे को बोलना ना पड़े, हैं ठीक है मम्मी, तो रेडी पापा, रेडी, चलो पापा तो कह रहे हैं मेरे को मत सिखा, मैं प्रैंक कर करके माहिर हो गया हूँ। वैसे एक और था, प्रैंक में सबसे जबरदस्त एक्टिंग पापा ही करते हैं, यह बात तो फैक्ट है। हाँ पहले तो आप एक काम करो, ये फूल चेंज कराओ, ये फूल बहुत ही बेकार लग रहे हैं। नहीं यार मम्मी, आप यार आप लोग बताओ, ये फूल अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मम्मी आप इसको हटा दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं मेरे को नहीं पसंद यार, अरे सामान तो जगह पे रखा करो, ये कहीं ऊपर फेंक देते हो इधर इधर, मम्मी यार अंगूर है और ले ले अपना कहाँ रख देते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज दिखाई मम्मी ने, ये रियलिटी चेक है बाल से भाई, हर लड़के भाई, हर शाहरुख खान भी लगाता है, समझ गई, उसका भी देखे रख दूंगा। मैं कह रहा हूँ पापा तैयार हो गया यार, डैडी यार एक व्लॉग खाली मेरा प्रैंक है खाली यार, वो सारे काम है तुम यार, सब लोग होते हैं डैडी तभी तो मजा आता है, मम्मी यार बताओ सारे लोग हुआ तभी तो फिर सीरियसनेस लगती है, कुछ ऐसा लगता है आपकी बात ही मानने वाला, हाँ और फिर और जब आप एक्सप्रेशन देते हो तभी वो सीरियस होती है, आपसे पूछे कि हाँ भाई थी, आप कह दो कि हाँ भाई फ्रेंड थी, हो गया काम मेरा, घर में आती थी और हाँ। ये अरे यार डैडी सीरियसनेस आपसे ही है, आपकी बात सीरियस लेती है वो। सुन प्रिया सुन, आ रही है, फोन यहाँ रखा है, ठीक है, मैं सुस्तू जाऊंगा, तू फ्रेम संभाल लियो, ठीक है, ठीक है मम्मी, तो इधर वो खोल के तो छोड़ा था मैंने गेट, तू ऐसी बेल बजा रही है, दो दिन नहीं ये, अरे तू चल तू अपना काम निपटा पहले, तेरे को काम पे भागना है ना, काम है तेरा, काम बहुत जरूरी,
जाओ जाओ, मैंने खुद भागना है, मैं खुद जल्दी आई हूँ, बस आप एक घंटे में अपना सारा काम करके फिर निकलेंगी। अबे यार तो बाद में ही कर लेते हैं यार, घर हाँ। अब आपको पता ना मेरा काम का चल रहा है, अभी मेरे को टाइम लगेगा, दो चार दिन जाएंगे अभी ऐसे ही। तो तेरा कब तक होगा तेरा क्लियर काम? आज और कल एक दिन और लगेगा बस। चलो शुक्र है, एक बजे पहली बार शुरू होगा हमारा। आज हम थोड़ा जल्दी करें, नहीं मेरे को भी जाना है आज, तो मेरे को भी जाना। शांति से वापस 3-3 बजे बुलाएंगे आज आप लोग। हैं नहीं तो मम्मी और जा रहे हैं, साथ में जा रहा हूँ मैं। अच्छा चल सही है, चलो फिर फटफट कर लो यार। तो क्या अभी आते भागेगी क्या? 5-1 मिनट बैठ के पहले डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट में क्या तो मिला। यही हाँ। से आप लोग नमस्ते अंकल, क्या हाल चाल? राम राम अंकल, बहुत तेजी में है आजकल। वॉशरूम में गई होंगे अभी तो। अंकल का फिक्स पोछा रोहिणी। पर यार हम बहुत इरेगुलर हो गए हैं व्लॉग्स को लेके ना, बिल्कुल एक डालते हैं अगले दिन ही डालते हैं, अच्छी बात नहीं है यार ये। एक डाल दे हाँ। अपनी नॉर्मल लाइफ डालो, रियली डे तो नॉर्मल ही डाल रहे हैं। तो हम क्या अब नॉर्मल डालते हैं कुछ? हाँ फिर पूरा यार मैं क्या करूँ, हाँ बाहर ही है तो फिर मैं क्या करूँ अकेला। पर ये वाला फ्रेम बहुत अभी हैवी लगने लग गया, टच फूड। तू भी चल साथ में, जहाँ हम जा रहे हैं। नहीं नहीं मैं अपना यार काम है, फिर 2 दिन में फ्री नहीं होंगी, फिर आप बोलोगे कि लेट आती है। कौन से फोन से व्लॉग कर रहे हो आज आप? पान थूक के बात करो मैडम। अब दोबारा बोलियो, एक बार दोबारा, आप नहीं बोल पाएगी। बोलो नमस्कार आंटी जी, राम राम, राधे राधे। राम राम राधे राधे। और भाई कार रेडी शेडी होके घूम रहे? और भाई नहीं आई और भागेगी अब, अभी भाग रही है। लेट तो जल्दी आ गई मैं 1 बजे, और भाग रही है अब, जल्दी आ गई और भाग रही है। भाग रही है अभी, 1.5 घंटा आराम से वीडियो बनाएंगे, फिर आपने भी जाना है। कूदी बोल रहे हो, कूदी डांस। नहीं हमें नहीं जाना, हमें तो तेरे लिए रेडी हो गया। ले और ले, चलो चलो मम्मी जी पंगा नहीं लेने का। चलो भाई आज की वीडियो में मम्मी पापा आप भी हो साथ में। यस, और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है आज की वीडियो में। चलो भाई शुरू करें फिर। चलो मैं जरा सुसु सुसु जाके आऊं, फिर करते हैं कंप्लीट है। प्रिया हाँ? अरे वो कहाँ रखा है, एक बार इधर आइयो। तेरे को मैं अपने दूसरे फोन से, मेरे फोन पे मैसेज डाल रहा हूँ। ये ले अब हम व्लॉग तू पकड़ ले ठीक है, और मैं मेरे दूसरे फोन से मैसेज डाल रहा हूँ ठीक है। ये ले जरूर कथक करवा ले, कथक करवा ले बिहान से। मेरे नंबर से बेबी कितनी देर में आ रहे हो, खाना वाना हो गया आपका? कितनी देर में आओगे? क्या खाया आज आपने आंटी जी? साथ में एक आधी मूजी भी डाल दूंगा। लव लिखना, लव लव, अरे लव लिखना, लव लिखना, हार्ट बीटिंग वाला। चल बहुत गालियां देगी तुझे। अरे यार मेरा फोन कहाँ रखा है यार? कौन सी डांस कर रहे हो? अरे आंटी मटर ला रही, मेरी मम्मी ने भी मटर ला के रख दिया। अरे सर्दियों में, सर्दियों में तो मटर ही बनते हैं सबके घर में। ये पड़ा, ये पड़ा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मुझे क्या बता रही है भैया? ये देख गाना मुंह पे चढ़ा दिया इन लोगों ने। मैंने ये मैम मैसेज आए हुए हैं, देख मेरे ब्लॉग पे कॉपीराइट आ जाएगा, देख ले किसका है। कैंपेन है क्या दृष्टि? ना मैं बोलता दृष्टि कौन है,
कैंपेन का मैसेज है, क्यों मम्मी इसके मजे ले रहे हो, एक मिनट में सीरियस हो जाएगी इसका, आपको पता नहीं है। अरे वो जो हमें मैसेज, किसका मैसेज है, वो जो हमें कहती है लॉरी वाली, उसका नाम क्या है, उसका तो श्रुति है ना। अब वो श्रुति कोई दृष्टि कौन है, ये दूसरी वाली है ना, कौन सी जो वाला कैंपेन ही चल रहा था उसकी वाली है ना, यही रह गया, फोन चेक कर लिया बस है। वैसे नहीं देखती सृष्टि, दृष्टि दृष्टि कौन है ये तो दिखाओ, कौन गया वर्काइब कर दिया, क्या हो गया, अरे वर्काइब हो गया, आज से पकड़ा हुआ था ना इसने, अरे ये खुला पड़ा है आगे यार, बीबी कितनी हो कौन है ये बता दे क्या मैसेज है दिखा, बेबी कितनी देर में आओगे, पागल है, अरे मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, अरे तू, मैंने चश्मा नहीं पहना, फोन जोड़ेगी तो दिखेगा ना, हाँ बता तो, पागल हो गई ये बेबी, तो दिखा मुझे दिखा, इसको मैं इसको बताऊं अभी, क्या नाम है, किसका मैसेज आया, मम्मी ये ऐसे ही आते रहते हैं इनके मैसेज, अरे मम्मी मेरे को नहीं खाना अभी, अरे रुक जाओ यार, ये नंबर भी पहली बार देगा, मुझे कौन खिलाएगा, पड़ोसी जबरदस्ती बेबी वो भी लिख रही है पागल, ऐसे तो कोई किसी को नहीं लिख देता, इतनी हिम्मत तो नहीं है, अरे कोई नहीं लिखता किसी को बेबी, अब इसको बताऊंगा ना बेबी मूवी का लिख रही है, ये कौन है, कौन पहले मुझे बताओ, कौन है, क्या नाम है, है कौन ये बताओ पहले मेरे को, ये क्या शर्ट है, क्या क्या नाम है, शर्ट गिफ्ट करी है क्या, हाँ शर्ट गिफ्ट करेगी, शर्टें भेज रखी है, शर्टें भेज रखी किसको, उसको ये अपनी फोटो भी भेज रखी, कब, तो ब्लाइंड डेट पे गया था क्या, उसको अपनी वोट पे भेज रहा है तू, 30 जनवरी 28 जनवरी संडे, अरे ब्लाइंड डेट पे गया है क्या जो उसको वोट पे भेज रहा है, यहाँ क्या प्रदर्शन ही लगाएगी क्या, अरे वो उसने ऐसे लिख दिया बेबी यार, तू कोई किसी को प्राण ऐसे ही लिख देता बेबी, मैंने रिप्लाई किया, अभी तो फोन में उठा के लिख दिया आपका यार, वो मैं बोल ही रहा था एक यार, वो तुझे यार, वो तुझे फोन और कोई चीज बता प्रिया, तू किसी को ऐसी जबरदस्ती काम का मैसेज हो, कोई मेरे को तो ये लड़की नहीं बता, मैंने बोला सृष्टि और एक यार भी तो है जो कैंपेन का काम करती है, वो नाम की दोस्त है मेरी, कोई है, फालतू ड्रामा मत कर, ये सीरियस हो जाएगी एक मिनट में, तो है इसमें झूठ क्या बोला, दृष्टि नाम की दोस्त है, स्कूल में नहीं थी तेरी फ्रेंड दृष्टि, वो स्कूल वाली दृष्टि थी, तो मुझे क्या पता, तू मैं तो जो तूने पूछा नाम है तो मैंने बता दिया है, ये नंबर भी मैंने कभी नहीं देखा, अरे 12 में थी जो, हाँ अरे वही ये तो वही है जब मैं ऊपर तेरे से टिफिन लेने जाती थी तब तू वहीं खड़ा मिलता था, वही नहीं है इसी के तो चिपका रहता था स्कूल में, अरे यार अगर तेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो ये तुझे थोड़ी बोलता फोन उठाने के लिए, तो ये कैसे बेबी बेबी, अरे स्कूल, अरे वो तेरे ऐसी मजे में लिख दिया होगा यार, तू क्या इसको बेबी को लेके सीरियस हो गई, अरे स्कूल फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है बेटा, स्कूल फ्रेंड है, वैसे बेबियां तो नहीं लिखती, कोई कह रही हूँ कोई किसी को लिखता है क्या ऐसे, मैं तो कभी किसी को मैंने तो आज तक अपने दोस्तों को बेबी नहीं लिखा, मैं तेरा फोन चेक किया क्या आज तक, तो आप तो काम ऐसे करते हो मेरे को चेक करना, हाँ मैं काम ऐसे करता हूँ, आंटी मेरे को लगा कि कैंपेन वाली का मैसेज बजाय कुछ बजाय, क्योंकि करती रहती है वो, इसी का नंबर होता है सबके पास, अरे मम्मी वो वैसे ही बेबी लिख दी वो मजे मजे में, है कौन तू उसके साथ फिर पंचोल करने लग गया क्या, फालतू काम मत कर, ये सब क्या कर रही है यार, फोन दे दे, मैं क्या कह रही हूँ, अरे मैं क्या कह रही हूँ, तू फिर पंचोल करने लग गया क्या उसके साथ, तेरा तो पीछा छुड़ाया था मम्मी ने उससे, अरे खाली उसका मैसेज आया था हाय हेलो इडियट्स में क्या, जो तू सीरियस, तो फिर वही तो पूछ रही हूँ, फिर पंचोल करने लग गया, वही नॉर्मल हाय हेलो है यार, वही भी मजाक में बेबी, वही लड़की है लिखा है बेबी यार, जबरदस्ती तू फालतू ड्रामा कर रही है, वाई लड़की है क्या ये, हाँ वही है, बताने की किसी को जरूरत नहीं है, अभी तो तू बोला था मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, अभी तो तू कह रहा था कोई लड़की है नहीं, बोला कि वो नहीं है काम की, अभी मेरे को नहीं बोला, अभी नहीं बोला मेरी कोई फ्रेंड नहीं है दृष्टि नाम की, छोटी बात थोड़ी है कोई, उस ये ही तेरा ये जैसी फालतू बातें मत करा कर, उसने मजे में लिख दिया है, कोई ऐसे ही लिखते थे बेटे मजे करते हैं, कोई ऐसे कोई मजे नहीं लेता, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है कि लड़का है लड़की, कोई भी मैं भी आज से अपने दोस्तों को बेबी लिखना शुरू कर देती हूँ,
अपने आप इसको मैसेज कर दूंगा कि इसने बेबी कैसे लिखा क्या लिखा। हाँ तो कर लूंगा, इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है यार। बताओ अभी यही चीज आपने मेरे फोन पे देखी होती फिर। अबे भाई मजाक में लिखा है, मेरे हाथ से फोन पूछी ना। ले 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 बेबी मजाक में लिख दे, मुझे थोड़ी पता मजाक में बेबी लिख देगी यार, मैं तो छुपाऊंगा ना अगर तेरे आगे कोई बेबी लिख देगा तो। इसमें इसी किसी की इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए कि कोई किसी को लिख दे। अरे यार मजाक में लिख यार, पापा यार तूने कुछ करा होगा थोड़ा बहुत। हां कोई आंटी किसी को ऐसी मम्मी मैं क्या करूंगा यार। मम्मी पापा मेरी स्कूल फ्रेंड है यार। पापा वो लड़की जो घर पे नहीं आती थी क्या अपने लंच करके जाती थी, वो लड़की से मम्मी पीछा छुड़ाई थी इसका, अब फिर ये बातें करने लग गया उससे। तू मेरे को देखी क्या बातें करते हुए फालतू बातें। मैं तो स्कूलों में देख नहीं दिया था उसने कैसे कर। हां और तभी मैसेज, तभी मैसेज कैसे आया। आज मजाक मजाक में लिख दी बेबी कितनी देर में। मेरे को तो सुन रही है, मेरे को तो ये ही नहीं पता था कि इसकी बातचीत भी हो रही है। मेरे को खुद को नहीं पता, मेरे को तो ये नाम भी नहीं पता। मेरे को लगा किसी कैंपेन वाली काम का फोन, इसी को करती है लड़कियां, तो मैंने आज तक कभी चेक नहीं किया। अरे मेरे को ही नहीं पता इसकी वापस सस्पिशियस करेगा, फोन पीछे खींचेगा या करेगा तो मैं तो पूछूं। भाई गलती हो गई मेरे से, मेरे को लगा तू एब्रप्टली रिएक्ट करेगी तब मैंने खींचा है। तो अभी क्या कर रही हूं मैं, तो आप मेरे से पीछे तो ले ले भाई आगे बढ़ा तेरे। अब क्या ले लूं। अरे मेरे को ही नहीं पता ये किसी से बात कर रहा है, अब पता चला देख अभी वो भी तूने मैसेज देखे तब पता चला है। मेरा एक मेरी फ्रेंड है जया और एक लड़की में भी फ्रेंड है अर्शु, मेरा फास्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, इसको पता है क्या चैट होती है क्या नहीं होती। 3 महीने 1 महीने में उसका हाल चल आता है, उसके सामने मेरी व्हाट्सएप चैट है। अरे मम्मी वो पुरानी घर में एक दो बार आई। अरे मम्मी वहाँ घर पे नहीं आती थी क्या, लंच करता था वही है। तो खाली एक बेस्ट फ्रेंड है पता है मेरे को, उसकी चैट तो मैं कभी नहीं छुपाती, आप देख ही रहे तो खुद ही बोलते ये ले अर्श का फोन आ रहा है ले बात कर। अरे तो मैंने भी तो तेरे को दिखाया ही है, मैंने भी यहाँ मैसेज करती हूँ आपने क्यों हटाया। उसने गलती से अगर वहाँ बेबी लिख दिया है मजे मजे। गलती से कोई किसी को इतनी फ्रीडम, ये चेप होता था पहले उसके, मम्मी ने इसका पीछा छुड़ाया, मसाइटिक आया था। ये वही है ना जिसमें 11th में जिसके चक्कर में तू पेपर मैथ के पेपर में फेल हो गया था। हाँ ये वही है। मम्मी हुआ है उसमें वो जो यूनिट टेस्ट वाले एग्जाम हुए थे उसमें। इतनी क्या सी यार तू इतनी, ये मत बोलो कि इतनी क्या, यही सेम चीज अगर मेरे साथ हुई होती और आप देख रहे होते आप इससे भी अलग अंदर रिएक्ट करते, मैं आपको जानती नहीं हूँ। यार मम्मी अभी जबरदस्ती ओवर रिएक्ट कर रही है यार। मैं तो कोई अभी रिएक्ट किया नहीं है ठीक है, अभी रिएक्ट करूं फोन तोड़ दूं आपका। अरे ये तो पागल पागल हो गई है, फिर तू ही मैसेज करी उसको भी तोड़ दूंगी अभी। फालतू बात है ये उसका यार, पीछे क्यों ले रहे हो तो तू फालतू बातें क्या कर रही है अभी, तू सो कुछ भी लिख देगी फिर बाद में तेरे को ऐसा होगा। गुस्सा तो मेरे को आएगा नहीं, अभी लिख देगी मैं। फोन बंद रहने दे, फोन तो पे आएगा ना। अरे मम्मी ये फालतू बातें कर रहा है यार, आंटी फोन क्यों तोड़ूंगी मैं, फोन तो मैसेज करने को। अभी आप उसको मैसेज कर देगी बुढ़ना जबरदस्ती का कोई, तू अपनी खुद से बहुत ज्यादा चिंता है आपको यार, तू अपनी खुद से समझ गई मैं, उसको बुरा ना लगे उसकी ज्यादा चिंता। अरे यार वो बात नहीं है, तू खुंदक में उसको कुछ लिख देगी तो अगली बोलेगी ना मजाक कर रही थी। मैं बच्ची हूं कि मैं खुंदक में लिखूंगी मैं। अब उसने मेरे को पहले ही बोला, तभी वो मेरे को बोली थी, बोली थी जसलीन को मत बताना कि आप मेरे से बात करते हो। मैसेज लिखूंगी, चैट तो है नहीं सिर्फ वो फोटो में भेजी हुई है, कॉल का भी है। चैट डिलीट कर दी होगी ना फिर, चैट डिलीट कर दी होगी। लिखती हूँ ना पता चलेगा। अरे यार क्यों मैसेज मुझसे, देख मेरे को तो लिख ले यार, जो लिखना लिख। मैं भी रिप्लाई में भेज देती हूँ क्या लिखेंगी, मेरे को तभी मिली होगी ना किसी को। देख मेरे को रिप्लाई में भी लिख देती हूँ जो लिखना लिख ले। देख मेरे को तो पता है नहीं इन सबका कि ये किसके साथ बात करता है, कि तुझे पता ही है फोन इसका लॉक रहता है, मैं तो छेड़ने भी नहीं देता। तो मैं तो तेरी साइड, मैं तो इसकी साइड बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता इसका। ब्लॉक कर दूंगा, छोड़ दूंगा। बात यहाँ तक आई कैसे मुझे वो बताओ, ये क्यों नहीं बताया कि आप बात करो, वैसे तो एक ही चीज बताते हो। अरे तो वैसे तो वॉशरूम भी जाना होता है तो बता के मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ, फिर तुझे कॉल बैक करता हूँ। भाई तेरे को नहीं अच्छा लगेगा इसमें नहीं बताया मेरे को, अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो आपको बात ही करनी चाहिए। अरे उसने मेरे को खाली ये मैसेज किया था, ये ग्लैड टू सी यू कि आप इतने अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, इतने अच्छे उस पे, तो मैंने अभी तक आगे ग्लैड टू से
बस फिर पंजोल शुरू हो गए, उसके बाद इसको मौका मिल गया कि वापस लाइन मार लो। अबे मजाक मजाक में भी लिखा तो बात भी ड्रामा कर रही है। नीचे जा रहे हैं जरा अंकल। अरे यार मम्मी उसको देखना जरा एक बार। तुम अपने आप करो, अंकल बुला रहे हैं, कोई काम है। आओ जी चलो, वो बुला रहे हैं। अरे यार उसका माहौल तुम समझा दे। तो तू समझाएगा, मैं थोड़ी समझाऊंगी। अरे उल्टे कुकरम क्या यार? ठीक है। अरे यार जय जी, ओ जय जी। अबे क्या बोलेगी यार, किस बात पे बोलेगी? जिस हिसाब से आपने मेरा फोन हाथ से खींचा, मेरे को वही समझ आ गया था कि कुछ तो आपने उल्टा सीधा। अबे यार तू देख लेना, थोड़े टाइम पहले भी यही आपके हुए थे ड्रामे, मैंने ये सब देखे थे। तब आपने बोला था नहीं मैं किसी से बात नहीं करता, ये वो। अभी यही सेम चीज मैंने अब तू मेरे पे एक मिनट में तेरा ट्रस्ट चला गया। अब ये तो मम्मी के आगे मैं बोल नहीं रहा था। मैं नहीं बोल रही थी आंटी के सामने बेहान, ज्यादा मेरे से बातचीत करने की ऐसी जरूरत नहीं है ऊंची आवाज में। अबे यार ये क्या ड्रामा है यार, मैं वहां ये सोच रहा हूँ वैलेंटाइन कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये कैसे करेंगे, तू अलग ही चैप्टरों में चल रही है। उसने लिख दिया, मेरी गलती है क्या? जिसने छूट दी है वो ही लिखता है, मेरे को तो कोई किसी ने आज तक ऐसे नहीं लिखा। अबे भाई मैंने थोड़ी बोल, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को बेबी लिखे। देख मैं तेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारी मेरी खाली, उसने मुझे ये बोला था। प्रिया तू फालतू मत बोलिए, एक मिनट में सड़ जाएगी। सुन जैसी क्या हुआ था, सुन ले पहले पूरी बात सुन ले। अरे सुन ले यार, फिर तू बार बार शक करती रहेगी। नॉर्मल खाली हाय हेलो हुई थी, और उसके बाद उसने मुझे बोला था बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, और ये अब रोने लग गई। यार मैं क्या इतनी इसमें रो क्या रही है यार, नॉर्मल हाय हेलो हुई है, उसके बाद खाली नॉर्मल मैंने एक दो बार शर्ट की। सामने जाओ कॉल करो और स्पीकर पे रखो, अगर कोई बंदा आपको बेबी लिख रहा है तो फोन पे भी वो वैसे ही बात करे। करो कॉल करो मेरे सामने जाओ। भाई मैं देखो साफ सीधी बात है, अगर तुझे ये शक वाली टोन में है तो मेरे को जस्टिफाई नहीं करना, तू खुद कर ले, मैं नहीं करूंगा, तू खुद कर ले। जब मैं अभी मैसेज कर रही थी तो क्यों मेरे से? हाँ ले कर ले, जा कर ले, जा जा कर ले, कर लूंगी जा, मुंह भी तोड़ दूंगी उसका। यार यही क्या ही हो जाएगा मैसेज करके, क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा क्या हो जाएगा। रुक जाओ तो तुझे क्या आप बिल्कुल चुप बोले ही तो चुप हो जा, बिल्कुल आप ही बोलना, मैं नहीं बोलूंगी, रुक करो बात। उठाएगी थोड़ी, रुक जाओ, छोड़ूंगी थोड़ी, आपको भी नहीं उसको भी नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं भी अभी अर्श को जाती हूँ, लिखती हूँ बेबी कब मिल रहे हो, और ये क्या कब मिल रहे हो क्या था, एक सेकंड मैसेज भी नहीं ढंग से देखा, बेबी पे दिमाग खराब हो गया। कितनी देर में आओगे, यहीं कहीं की होगी तभी लिख रही है। कहाँ जा रहे तू? हाँ तो यहीं की है अभी, क्या भी आज हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं, तो हमारे स्कूल में ही तो थी। कुछ नहीं होगा फोन करके, फोन में वो बिजी होगी, देख इसको पता है, देख देख बातें कितनी हो रही हैं। वो सीरियस मोमेंट ही है, इसमें कोई क्या है, इसमें मजाक वाला? मेरा दिमाग खराब कर रही है, मैं साथ जो मेरा हुआ है। यार मैंने कुछ नहीं किया यार, क्यों ड्रामा कर रही है? इसको इतना पता है, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा दिमाग हंसो मत मेरे आगे, तो तू बातें ऐसी कर रही है यार, तू ऐसे आप हरकतें करो, मैं बातें भी नहीं करूं, मेरे को गुस्सा आ गया। कैसी बातें कर रहे हो यार, शर्म ही नहीं है कोई? इतना भाई गलती से तुझे इतना पता है? तोड़ दूं मैं अभी, मैं करूं, आप जाके भी देखो, मेरे को 200 चीजें सुनाते हो कि जस्टिन ऐसे कैसे लिख दी उसकी वजह, जा मेरे को ये नहीं वो नहीं, आप तो मेरा फोन तोड़ दो, मैं तो फिर भी चाचा आपका फोन पड़ा हुआ है वहां पे। अरे मैं खुद शौक दूंगी, कैसे शौक? आपने मौका किसी को दिया होगा तभी वो लिख रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई लिख दे। मौका वाली बात देना चाहिए था आपको, ये बात आनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपने को बताया क्यों नहीं कि आप बातचीत कर रहे हो, कितनी देर में आप कहां जा रहे हो? आप तो मेरे को बोले कि मैं मम्मी के साथ जा रहा हूं। तू तो हमें मना कर रहा था, तू तो हमें मना कर रहा था सुबह। रोई नहीं रहे हो ना, धक्के खाने उनको छोड़ के कहीं निकल जाओगे, मेरे को क्या पता? अगले तो कहते हैं कि हाँ हम तो गए थे, हम तो गए थे। मैं कौन सा स्पेसिफिक पूछती हूँ कि तुम कहाँ गए थे, क्या किया, विहान क्या कर रहा था? आपने तो बोलना है कि मम्मी के साथ गया था, आंटी हाँ हम तो गए थे, क्योंकि बात तो नॉर्मल ही होती है कोई। मैं कहीं जा रही हूँ, 3 दिन से तू भी नहीं दिख रही, तो मैं तेरे को पूछ रहा हूँ क्या बार बार फोन करके? इससे बात ना करो, आपको पता नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? एक एक मिनट तो आप मेरा फोन कर, 200 कॉल आई है अभी कल में मुझे, कहाँ है कब आएगी, एक एक मिनट में आप वीडियो कॉल सब पता होता है कि मैं कहाँ हूँ। अगर आप कहीं जाते हो मैं एक बार कॉल नहीं करती, अंकित का कह के निकलोगे फिर कहीं निकल जाओगे। ये तो कल भी ओ अंकित से याद आया,
अंकित भैया से याद आया, ये परसों भी कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि ना तुम्हें रात में अंकित भैया के रुक जाऊंगा और तुम्हें ना मासी के चले जाना। यही करेगा ये फोन उठाने में। तू क्या हर बार फोन उठाती है क्या? सिर्फ दो चीजों के जवाब दे दो, एक आपकी बातचीत अगर शुरू हुई तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, दूसरी अगर यही सेम चीज मेरे फोन पे आपने देखी होती, मेरा फोन पड़ा होता, आप क्या रिएक्ट करते? ये दो चीजें बता दो, नहीं तो मेरे को अभी मैं चली जाती हूँ घर से, मेरे को बता दो। मैं कोई आपसे एक सवाल पूछूंगी भी नहीं। तेरे साथ ये चीज हुई होती तो मैं तेरे से सीधा पूछता कौन है, तू बोलती गलती से मैसेज आया। मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं कोई आपसे तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, गलती से मैसेज आया है यार, तू क्यों इतना वो कर रही है? मैं उसको बोल दूंगा कि ऐसे मैसेज क्यों कर रही है। आपने बातचीत शुरू करी, मेरे को क्यों नहीं बताया? चलो इसका जवाब दे दो, ठीक है इसका तो दे दिया, अगर अगले ने मजे लेने के लिए किया समझ आ गया। आप मेरे को ये बता दो क्योंकि मुझे पता था तू यही रिएक्ट करेगी। मैं चाहे नॉर्मल भी हाई लो करूंगा तो भी तेरा मुंह सूझता ही है इस बात पे। अब मैं यार जैसी तू जबरदस्ती बात बढ़ाने वाली बात कर रही है, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बेबी लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। कोई मैं उसके साथ वैलेंटाइन मनाने रोज डे करने नहीं चला गया, तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बोल लो, आज भी मुझे ही बोल लो ये मैसेज नॉर्मल है, ये बात भी मुझे ही बोल लो। अब यार जैसी यार रो वो क्या रही है यार, नॉर्मल। अरे तेरे को मिलवा दूंगा यार, तू कर लियो बात। जो आप और वो मेरे को क्या मिलवा देगा? क्या वो मिलने जा रहा होगा? जाओ लिखा है कि प्लानिंग कर तो रखी इन्होंने। हाँ प्लानिंग कर तो रखी हमें घर छोड़ के। नॉर्मल हेलो हाय मिलने जा रहा होगा हमें। मैं अंकित और हम तीनों जा रहे हैं तो सही है, मैं तो हुई नहीं, मैं इनमें हुई नहीं। तो तू अपने काम में बिजी बैठी है, फिर बोलेगी मैं काम में क्या कर रही हूँ? तेरे को मैंने कल बोला नहीं था कि मैं जाऊंगा अंकित के पास, तू जाएगी? तूने क्या बोला? मैंने पूरी बात नहीं बोली, मैंने तेरे को बोला था कि मैं अंकित के यहाँ जा रहा हूँ, तू जाएगी? तूने क्या बोला कि भाई मैं तो कहते हैं मेरा तो बयान दो दिन में तो दिंगल ही नहीं पाऊंगी, शाम के टाइम मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगी? पूरी बात नहीं बोली आपने बयान। और पूरी बात क्या बोलूंगा तेरे को, जब तेरे को इसके बारे में दूसरे का बताया नहीं कि जसलीन अगर एक आप किसी रिलेशनशिप में हो, भाई उसका रैंडम प्रोग्राम बन गया आज सुबह, उसका मैसेज आया कि क्या बोल रही हूँ आप, मुझे क्या जवाब दे रहे हो? उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसका रैंडम प्रोग्राम बन गया कि भाई मैं आगे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं पहले पूछ रही हूँ, आपने बातचीत करी मेरे को बताया क्यों नहीं? भाई क्या बता भी नहीं बताया, क्या आप बता भी तो फिर बाहर में जाओ। हाँ तू और यह कर ली तब से बाहर में जाओ, अगर नहीं बताई तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेबी लिख रही है, कल आई लव यू भी लिख देना। अबे यार अब इतना ओवर रिएक्ट मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर रिएक्ट तो और क्या कर रही है? तब से मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल मैसेज किया, गलती से कर दिया, मैं बोल दूंगा उसको कि ऐसे मजे मत लिया कर यार, मेरी क्लास की फ्रेंड है यार, इतना क्या तू वो हो रही है? बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब फालतू के मैं बात करती हूँ यार, मेरे भी दोस्त यार हैं, सब मेरे स्टेटस देखते हैं, मैं 10 चीजें डालती हूँ, 4 साल से अभी तक रीले डाल रही हूँ, सबको पता है किसी की इतनी मजा ली है, कोई मजे में ये भी लिखा, उसको भी पता है तेरे बारे में, तो उसने फिर क्यों लिखा ऐसा? और मुझे पहली बात तो मुझे ये पता क्यों नहीं कि मैं बात करूं, अगर मैं अर्श से बात करती हूँ, मैं जया से बात करती हूँ, या मैं जिससे तो मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता ना, तू करती है हर बात पे। मेरे वाले ऐसा कुछ करते ही नहीं है, उनको उनकी लिमिट्स में पता इसको है। अगर मैंने ये भी बता दिया, इसको अगर मैंने ये भी बता दिया ना कि मैं ऐसे ऐसे करके किसी लड़की से बात कर रहा हूँ और वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, तो इसका एक मिनट में ये इतना ओवर रिएक्ट करती ना, क्यों बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही है? शक्की साहब मैं इतनी पोजेसिव नहीं हूँ, अभी आप घूमने भी जाओ कहीं, अभी मैं आपको मजा ले एक से दूसरा फोन कर दूं। अगर ये पता चल जाए ना कि अगर मैं किसी लड़की के साथ चला गया तो शक तो छोड़ दे, तो पता नहीं क्या ही कर देगी, मुझे तो नहीं पता क्या तेरा मेरे सामने ऐसी, से ड्रामा मत कर। ऐसी, ऐसी और कुछ नहीं लिखा उसको, उसने बेबी लिखा कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा, बताती नहीं कि कोई किसी को मिलने जाए तो अपने पार्टनर के साथ। चंडीगढ़ गए थे हम, चंडीगढ़ गए तो मैं अकेली उसके साथ घूमने गई थी, हम सारे लेके गए थे ना वो हमें। अब तू मैं घूमने चला गया, अब वो मेरे साथ तो चले जाओगे तो आज बात नहीं बताई। अरे फ्रेंड्स घूमने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं बीच में बोलने की किसी को भी, इससे मैं अपने आप डील कर लूंगी। ये इसने एक थोड़े दिन तो मैं नहीं बात करूंगा, और क्या बॉम्बे में भी हरकत, इसने बॉम्बे में भी हरकत की थी। कब करी थी भाई ये, क्या फालतू बात है? बॉम्बे में भी आपके मैसेज आए। सुन ज्यादा ड्रामा मत कर, समझ गई ना? आप ड्रामा मत करो ठीक है, फालतू ड्रामा कर रही है तू, फालतू ड्रामा कर रही है, अब पहले बता रहा हूँ ये फालतू बातें मत कर, समझ गई ना? जबरदस्ती की कुछ बोल नहीं रहा, जब ये ड्रामा कर रही है तू, ये सब ये बात है तो जसलीन तू वो एक्स्ट्रा बोल रही है, तुझे नहीं पता ना सारी चीजें, तुझे थोड़ी बताऊंगी कि तेरा भाई क्या क्या करता है। ये चीज बहुत गलत है, मुझे
ये बहुत ये चीज गलत बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। अरे यार मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सारी हरकतें पता है। चलो तुम आपस में मत करो जबरदस्ती का, पहले बता रहा हूँ मैं। मुझे दे दी, चल यार भाई मैं उसको बोल दूंगा, गलती से लिख दिया। जो मर्जी लिखो मेरी वजह से, जो मर्जी करो, मेरे को बात का ही नहीं पता कि बातचीत हो रही है, तो अब जो मर्जी लिखे उसको तो पूरी फ्रीडम है। जब आपने बोला ही होगा कि मैंने जसलीन को नहीं बताया, अरे बता क्या बता, आपने ये बोला कि जसलीन को पता है कि हमारी बातचीत होती है। अभी आप कह रहे हो कि मैंने उसको बोला कि आप उसको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं बातचीत करता हूँ अलग से करता हूं। ये उसको ये पता तेरे बारे में पता ही है उसको, मेरे बारे में तो पता ही होगा जब मेरे साथ दिन रात रहते हो, वीडियो डालते हो। बोला कहते कि जसलीन को अगर बता दूंगा तो वो चिढ़ जाती है, इस चक्कर में उसने ही जान, मैं पीठ पीछे बातें कर रहा हूं मैं, उसको पता चल गया तो वो चिढ़ जाएगी, वो रिएक्ट करेगी। तू मुझे कुछ भी लिख, तेरे पास पूरी स्पेस है। तू क्या चाह रही है, मैं ब्लॉक मार दूं? यही चाह रही है ना, ब्लॉक तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नौबत आनी ही नहीं चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए, सामने ब्लॉक मार, नौबत आनी ही नहीं चाहिए यहाँ तक की। मेरे को मत दिखाओ, मेरे को मत दिखाओ कि ब्लॉक कर रहे हो। मैं पीछे से मैं तो यहाँ से अभी चली जाऊंगी, मैंने तो कल आना है। ब्लॉक करो, चाहे पीछे से एक्सप्लेनेशन दो, चाहे उसको पूछो कि बेबी क्यों लिखा है, जो मर्जी करो। रोई जाओ चाहे मिलने जाओ चाहे बेबी लिखवाओ चाहे सारा हट जाओ, मेरे को हाथ में लगाओ, उधर हो जाओ, हट जाओ, कॉल कर ले उसको। मैंने कर ली जो तुम्हें करने थे, मैंने कॉल कर ली, उसने नहीं उठाए, कर ले, आपको पता है ना वो ऑफिस होगी, जाओ। अरे आज संडे है, नहीं इसके हिसाब से तो वो बिजी है, कॉल कर ले पहले, कॉल कर, मैंने कर लिया, कॉल कर अभी, बात कर, अब कॉल करेगी तभी जाएगी, कॉल कर, फालतू ड्रामा मत कर, कॉल कर अभी, मैं कोई कॉल नहीं, पहले अभी तू कॉल करेगी और कॉल पे बात करके ही जाएगी, कॉल कर, ले ले कॉल कर, पहले खुद ही कॉल कर दो, मैसेज लिख दो कि मैं हूं जसलीन, नहीं आप मैसेज लिख दो ना, मैं कुछ मैं कोई मैसेज पहले मैसेज लिख दो, इसमें दिख रहा है कोई, इसमें दिख रहा है कोई मैसेज लिखा हुआ, आप लिख दो ना, आप मैसेज लिख दो कि मैं कॉल कर रहा हूं, उठा ले, क्या पता तब उठा ले। अच्छा ये ले, अरे तो कर तो सही, जब वो कह रहा है कर ले तो कर ले ना, लो मैं कर लेती हूं अभी, मैंने इतने कॉल करे नहीं उठाए, वीडियो कॉल कर ले, उठाए एक मिनट, वीडियो कॉल कर, उठाए तो और मैं वीडियो कॉल ही करते हैं तेरे को, अब सब बताऊंगा, तेरे बहुत ज्यादा ड्रामे हो गए ना, अरे तो किसी दोस्त से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं इसको सब दिखाऊंगा मैं, वीडियो कॉल ही करते हैं वीडियो कॉल, किसी से किसी के दोस्त से दोस्त को बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भी करती हूँ, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। बात ये है कि कोई भी किसी को बेबी नहीं लिखता है, सिंपल, तो वो तो मैं तो तुझे बोली इतनी देर में आएगा बेबी, हाँ, वो किसी को ऐसे, वो तो मैं तुझे बोली, कोई किसी से टच में इतना ज्यादा ना हो, वो तो मैं तुझे बोली, कोई लड़का तुझे बेबी लिख दे ये देखेगा उसको कितनी गुस्सा है कि तू कह दे कि मेरा दोस्त है, अगला मानेगा कि दोस्त है? किसी की इतनी हिम्मत है कि कोई किसी को बेबी लिख दे? कोई फ्रीडम दोगे तो लिखेगा ना। अब मुझे जस्टिफाई नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए आपकी, अपनी चीजों को जो करी है उनको जस्टिफाई मत करो अब यहाँ खड़े होके मेरे सामने कि कॉल कर ले। जब मैंने उसी टाइम कहा था आपको, उसी मेरे को लेने उससे पहले आपको मेरे को बता ही देना चाहिए था कि जसलीन यही क्या बता देता तेरे को मैं कि मेरी दृष्टि करके कोई फ्रेंड है उससे बातचीत हो रही है आज, तो तू एक मिनट में मुंह सुझा लेती, क्या बताऊं मैं, तो ध्यान सुझाऊंगी क्यों जब आप ढंग से मुझे एक चीज बताओगे? तो तू बता, तू बता देता ना तुझे क्या है कि दृष्टि मेरी दोस्त है बस, हो गया, तू बात कर, तेरे को बात कर रही है तू, ले ले गाली दे, उठा दे, वीडियो कॉल कर रहा है, ले तू उठा के गाली दे, तू उठा, उठाने दे दो, फोन उठा, फोन उठा, अब तू फोन उठाएगी, फोन ले ना हाथ में, तो लगा है ना जब उठाएगी, नहीं तू हाथ में ले जा फोन, उठा फोन, उठा, उठाने दो दे। हाय बेबी, हाउ आर यू बेबी, हाय बेबी, कितनी देर में आ रहे हो, कैसी हो, खाना खाया, एक बार चेहरा दिखाइयो, इसमें कितनी देर में आ रहे हो बेबी, खाना खाया बेबी, अरे रीना दृष्टि, दृष्टि फॉर जॉब पे दिखा, और एक बार फिर इनको बता दूं प्रैंक हो गई,
अपने बंदे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझे आपको। पूरे ट्रस्ट है आपकी हरकतों पे, ट्रस्ट नहीं है मुझे अब। प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक को बताया, आओ जरा इधर आओ। क्या हुआ? मम्मी को भी पता है या देखो ये इतनी गुम है अपनी चीजों में, इसको ये भी नहीं पता कि आप अंदर छुपे हुए हो। क्या तुम रोज रोज एक ही चीज चल अच्छा आवाज रोई जिसकी दृष्टि रोज ऐसा दृश्य देखती है और कौन चाहिए बताओ, कौन चाहिए रोज रोज? क्या यार ब्लॉग के नाम पे मेरी वो लगाई हुई आपने रेल चने के खेत में। यार ये सच में मेरे को बताओ, आपने ब्लॉग के नाम पे मेरी रेल लगा के रखी हुई है, मेरे पे प्रैंक कर करके आपने पूरा एक वो बना दिया। चोरी यार बड़ी हंसी आ रही है, मेरा यहाँ गला ये यहाँ इसका गला सूख गया चीख चीख के, आज इसका रो रो के नहीं सूखा, आज इसका चीख चीख के सूखा है। मैं कह रहा हूँ वीडियो कॉल कर ले बेबी दृष्टि, ये आइडिया हमारी ऑडियंस का था। क्या मजा आता है यार, क्या दिखा दे दोनों जने, चलो कपड़े डालो। आओ दिव्य दृष्टि, अरे आज आपका प्रैंक हो गई, अब क्या रोज रोज एक ही चीज करते हो? ये खुशी मतलब सीरियस नहीं हुआ कुछ भी, ये सब प्रैंक था। तेरी बातों में तेरा स्माइली फेस रख, ऐसी स्माइली रख, मतलब गंदा लगेगा। प्रैंक सक्सेसफुल। अरे ये गलत हाथ ले लिया यार। क्या कह रही थी? उससे बेबी बेबी पे मत बोल, मैं भी बताई नहीं थी तुझे। उससे बेबी पटक करने लग गई मुझे। हाउ वाज द प्रैंक? गुस्सा तो आएगा ही ना ऐसी चीजें, मैं अगर ये सेम चीज कर दूं और ये सच में हुई होती तो फिर सोच तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये हटो, समझ गई? अरे ये चीज तो ये सच में है, ऐसे पूरी हिम्मत है जो घूसे मारने की लिए, वो सच में है, ये उसको उल्लू बना रहा है प्रैंक के नाम पे। अरे होता है तभी इस चीज पे मुद्दा होता है, ऐसे कभी है होगी वो तो पूरी दृष्टि नहीं, वो क्या थी, वो मेरी फ्रेंड थी ना, उसकी बहन के बगल में उसकी फ्रेंड थी, वो फ्रेंड जो फ्रेंड नहीं छोड़ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बहन थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, ये जिसकी सब नहीं यार, ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे माइंड में रात को भी ये सब चलता है कि भी मजे लिए भी हैं या सच में करते हो। अरे भाई जितना जितना भरोसा, सुनो भरोसा, जितना भरोसा, एक सेकंड, जितना भरोसा मुझे तुझ पे है उतना भरोसा रख लेगी तो तुझे कुछ सब मजे ही पता चल जाएंगे, सब मजे। मेरे को जितना आपका भरोसा, मैंने आज तक चेक किया, लेकिन आप भरोसा मुझे पानी पी के ठंडी हो जाए। और आपको व्लॉग में कुछ एब्रप्ट कटिंग दिखी होगी, वो इसलिए रखी है क्योंकि जसलीन ने फ्लो फ्लो में बहुत कुछ पर्सनल उल्टा सीधा बोल दिया यार, वो भी जायज भी है क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कोई प्रैंक करेगा तो ऑब्वियसली है कि वो अपनी सारी मन की बड़ास बोलेगी भाई, जो जो उसके मन में। अगर मेरे साथ कोई, मैं मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरे साथ जसलीन ऐसा कोई प्रैंक करेगी, मैं इतना कुछ बोल दूंगा, गालियों से तो शुरू होगी मेरी बातचीत, तो भाई उसका एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए मैंने वो काट दिया जहां जहां बहुत पर्सनल हो गया, तो इसलिए वो एब्रप्ट कटिंग है। Hey guys, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और अपने किसी फ्रेंड को अगर ये शेयर करने का मन करे तो शेयर कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा देना। अभी वैलेंटाइन डे के टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ ये बिल्कुल ट्राई मत करना, रोज की जगह नहीं तो तुम्हें काल्पनिक दृष्टि के साथ जाना पड़ेगा कहीं, और रोज की जगह गूंजे पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राधे राधे।